वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नितिन, NITIN, याद रहेगा आपको मेरे ख्याल से मेरा नाम। दोस्तों, हम अपनी क्लासेस चालू कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर कुछ हुआ था, फिर तबियत थोड़ी खराब हो गई थी, तो आई स्टॉप माई लेक्चर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनडिफरेंस कर्व, और उससे पहले हम बात करेंगे छोटा टॉपिक है जिसका नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। स्पेलिंग गलत हो गई, ई लगाना भूल गया पहले। चलिए, बच्चे तो छोटी छोटी बात पर टोक देते हैं, फिर टीचर स्पेलिंग नहीं आती आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? ये ऐसा टॉनिक है जो मोनो होता है ना, टॉनिक है, मोनो मतलब वन, टॉनिक मतलब ऐसे कुछ, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब होता क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में मैसेज पढ़ा था कि हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स, गुड वाई। कस्टमर की अपनी एक बजट होता है, बजट लाइन के ऊपर वो काम करता है अपने। अगर उसको एक प्रोडक्ट चाहिए तो दूसरा प्रोडक्ट को उसको लेना पड़ेगा। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद द अदर पोर्शन ऑफ दिस बोर्ड। ऐसा ना कि वो सर ये क्या समझा रहे हो, ये अलग बात में आएगा, इसके बेस पे ये आएगा। तो अगर हमारे पास बंडल ऑफ टू गुड्स है, जिसको बोलते हैं बजट सेट या फिर बंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल, हमारे पास दो प्रोडक्ट है X1 Y1, ठीक है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, इसकी एक क्वांटिटी इसकी दूसरी क्वांटिटी। अब मैंने कहा कि सर बंडल इस तरह से बन रहा है कि ये 1 2 है, या 2 1 है, या 1 1 है, या 2 3 है, ऐसे कुछ भी बंडल बन सकता है। लेकिन अगर आपने कहा मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ये दिल मांगे मोर, है ना, ये दिल मांगे मोर, हमें और चाहिए, थोड़ा और चलेगा। अब थोड़ा और क्या चलेगा, मतलब कस्टमर की प्रेफरेंस क्या होती है। सपोज आपके पास ये बंडल है, अब सडनली आपको इसके अगेंस्ट में ये बंडल मिल जाए, इसमें भी एक एक्स्ट्रा बढ़ गया और वो 2 का 2 रहा, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। ये सिमिलरली यहां पे ये 2 था, ये 1 था, लेकिन सडनली ये 2 और 2 हो जाए फिर से, तो ये चेंज हो गया। मतलब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर आपको मिलती है विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रीवियस क्वांटिटी, मतलब गुड एक्स की क्वांटिटी को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको गुड वाई की एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाती है, तो आप किस पे जाओगे, डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा पे, थोड़ा और चलेगा, हमें थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अब इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले NCERT की बुक से। बहुत सारी चीज़ें आपके NCERT की बुक के अलावा जो रेफरेंस बुक होते हैं उसमें से भी पढ़ सकते हो, बट आई विल नॉट नेम एनी बुक फॉर यू। आई नो मैनी बुक्स विच आई पर्सनली लाइक, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी बायस टू एनी पर्टिकुलर ऑथर। ऑलराइट, सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, आप उसको ढंग से सुनना है आपको। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज आर एज्यूम्ड टू बी सच दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स, ये बंडल एक है, ये बंडल दूसरा है, X1 and X2, Y1 Y2, X1 X2 bundles has more of at least one of the goods and no less of the other goods. वन और टू के बाद इसका एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन ये कम नहीं किया हमने। Preferences of this kind are called monotonic preferences. Thus, a consumer's preferences are monotonic if and only if between any two bundles the consumer prefer the bundle which has more of, ये वन था अब ये दो हो गया, more of at least one of the goods and no less of the other goods, इसको कम नहीं करना, इसको कम नहीं किया हमने। तो दूसरे को कम किए बिना अगर आपको, इसको कम नहीं किया हमने, ये सेम रहा, यहां पे ये सेम रहा, हमने किसको बढ़ा दिया, विद नो लेस ऑफ द अदर गुड्स एज कंपेयर टू द अदर बंडल। मतलब मेरे पास जो है उसमें थोड़ा ज्यादा आप करना चाहो तो कर दो, मैं कम कुछ नहीं करूंगा। तो ये तो मेरी प्रेफरेंस है ना, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर मुझे मालूम है कि ये बंडल है और मुझे एक ही बंडल चूज करना है, गुड्स भी वही है, दो है मेरे पास, गुड एक्स है, गुड वाई है। आप कहोगे सर ये आपने तो लास्ट टाइम में जो पढ़ाया था वो तो कुछ ऐसा सा चार्ट पढ़ाया था आपने कि जहाँ पे ये मिक्स हो रहा था, तो दैट वॉज बजट लाइन, कि जहाँ पे कस्टमर की एक
इनकम है उसके हिसाब से वो कितना प्रोडक्ट ले सकता है इन दिस बजट लाइन, मेरी औकात उतनी ही है सिर्फ, ठीक है। लेकिन सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या मैं दोनों गुड्स बराबर मात्रा में ले सकता हूं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर मुझे अगर एक की क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो मुझे दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट माई रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एक्स विथ गुड वाई, तो मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोरगो करना पड़ेगा अदर गुड्स की क्वांटिटी को, ठीक है। तो अब उसको हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स, ये सब चीजें लिंक्ड है, ये सब चीजें लिंक्ड है, और ये एंड में जो ऑप्टिमम पॉइंट आता है वो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को मिला के आता है। कंसीडर टू बंडल्स सच दैट वन बंडल हैज मोर ऑफ फर्स्ट गुड एज कंपेयर टू अदर बंडल। तो इस वाले के अंदर देखोगे तो वाई के दो हैं, इसके अंदर वाई का एक है, तो हमारे लिए बंडल कौन सा चूज करना है जिसमें जो ज्यादा हो। इफ द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक दीज टू बंडल्स कैन बी इनडिफरेंट ओनली इफ द बंडल हैविंग मोर ऑफ द फर्स्ट गुड्स हैज लेस ऑफ गुड टू एज कंपेयर टू द अदर बंडल। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? आपको भूख लग रही है बड़ी तेज, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने पैसे लेकर गए दुकानदार के पास, आपने कहा क्या है खाने के लिए? अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नाम सुना होगा, आपने कहा एक बर्गर भी हो सकता है और एक पैटी, पैटी मालूम पैटीज आता है, एक पैटी सैंडविच। तो हमने कहा ठीक है कितने रुपए आपके पास? 50 रुपए हैं। तो भैया इसके अंदर या तो दो सैंडविच ले लो पैटी सैंडविच, या फिर एक बर्गर एक सैंडविच ले लो, या फिर एक ही बर्गर ले लो, या दो बर्गर तो नहीं आ सकते, ऐसा कुछ करके सिस्टम बना हुआ है कुछ करके। तो उसने कहा कि यार मैं क्या कॉम्बिनेशन लूँ, तो एक काम करो मुझे कुछ भी दे दो, मुझे तो भूख लग रही है ना, मेरे पूरे पैसे भी खर्च हो जाएंगे और सारा कुछ जो भी मिलता है कॉम्बिनेशन कुछ भी दे दो, मेरे लिए एक ही बात है, मैं इतना भूखा हूँ उस समय। चाहे तो आप दो पैटी दे दो, चाहे एक बर्गर एक पैटी दे दो, चाहे एक बर्गर दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस दे दो कुछ, मुझे भूख लग रही है। आई एम इनडिफरेंट फॉर एनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, आई एम इनडिफरेंट, मुझे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। इट हैज़ टू गो विद द यूटिलिटी अप्रोच ऑल्सो, मैं यूटिलिटी पे बाद में आता हूँ, एज पर एनसीईआरटी में यूटिलिटी बाद में आऊँगा, लेकिन रेफरेंस बुक्स के अंदर आपकी यूटिलिटी पहले समझाया जाता है। एनीवेज, तो मेरे को जितने भी बंडल बन रहे हैं, अब बंडल कैसे हैं, गुड एक्स गुड वाई, इस कर्व के ऊपर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले आओ, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे, चाहे तो आप इस कॉम्बिनेशन को ले लो कि इतनी मात्रा गुड वाई की इतनी मात्रा गुड एक्स की, चाहे तो आप ये ले लो, चाहे तो आप ये ले लो, चाहे तो आप ये ले लो, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, बच्चा समझ के माफ़ कर देना, ड्राइंग गड़बड़ी है मेरी, ओके। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये कॉम्बिनेशन, कुछ मैं सब पे इनडिफरेंट हूँ, मुझे सबकी यूटिलिटी एक समान लगती है, बिकॉज शायद मेरी नीड ही ऐसी है कि आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना दो, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहे तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, चाहे सेकंड दो, चाहे थर्ड दो, चाहे फोर्थ कॉम्बिनेशन बंडल दे दो, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या कहता है ये। सो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू बंडल्स। नाउ सपोज अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू द बंडल 1 2 2 1 1 2, एट 1 2 द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। अब इसमें क्या करना है, गिव अप की बात आती है। गिव अप क्या होती है? सपोज दो बंडल है, एक बंडल है 1 2, एक है 2 1, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये एक बढ़ाना है दो करने के लिए तो मुझे यहां से एक घटाना पड़ेगा, तभी मैं इसको दो को बढ़ा के दो कर पाऊंगा इसको। इसका मतलब टू हैव वन मोर ऑफ वन यूनिट आई हैव टू सेक्रीफाइस और फोरगो द कमोडिटी ऑफ अनदर बंडल, अनदर सेट ऑफ गुड्स, वरना मैं खरीद नहीं सकता, पैसे तो लिमिटेड है मेरे पास, मैं दोनों के दोनों ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मुझे ये भी दो दे दो, मुझे ये भी दो दे दो, वो नहीं। एजम्पशन सिर्फ इतनी है, दो ही गुड्स हैं, लिमिटेड इनकम है, बजट हमारा कंस्ट्रेंट होता ही होता है। नाउ दिस गिव राइज टू वन पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
इसको समझने की कोशिश करना कि जो जो सेक्रीफाइस हम करते हैं ना, ये सेक्रीफाइसेस हर बार कम होते जाते हैं। मैं पहली कमोडिटी को पाने के लिए शायद ज़्यादा सेक्रीफाइस करूँगा दूसरी प्रोडक्ट का। सपोज ये कॉम्बिनेशन हमारे ऐसे ना हो करके इसको सेट बना सकते हैं हम। अभी मैं इसको पूरा टेबल बना के सिखाता हूँ आपको। ये उसको हम बेसिकली बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। बंडल्स का अपना अलग अलग सेट बनता है। मैं इसके लिए रेफर दूसरी बुक भी कर रहा हूँ, सो नो नीड टू थिंक कि सर आपने तो चीटिंग कर दिया अचानक से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाने के लिए बुक्स बहुत सारी हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं टीचर हूँ ना, मुझे रेफर करना पड़ता है। सपोज कॉम्बिनेशन है मेरे पास ए बी, अब किसी की बुक मैच कर जाए तो कमेंट में लिख देना कि सर मेरी बुक आपसे मैच कर गई। यहाँ पे मेरे पास एप्पल्स गिवन है, यहाँ पे मेरे पास ऑरेंजेस गिवन है। पहले कॉम्बिनेशन के अंदर मैं एक एप्पल और 10 ऑरेंज खा सकता हूँ। दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर मैं 2 एप्पल लेता हूँ तो मैं सिर्फ 7 ऑरेंजेस खा पाऊंगा। अगर मैं 3 और एप्पल लेता हूँ तो अब मैं सिर्फ 5 ऑरेंजेस खा पाऊंगा, और अगर मैं 4 लेता हूँ तो मैं सिर्फ 4 ही ऑरेंजेस खा पाऊंगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कभी भी मुझे अपनी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माइनस किया कितना? 3। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मुझे एक और एप्पल, किसी ने मुझसे पूछा एक एप्पल और खाओगे क्या? हाँ हाँ खा लूँगा, तो दो मुझे ऑरेंजेस। भैया मैं ऑरेंज तो दूंगा, पिछली बार मैंने एक एप्पल के बदले आपको 3 ऑरेंजेस दिए थे, लेकिन अभी मेरे को इतना क्रेविंग नहीं रही, अभी इतनी इच्छा नहीं है, तो मैं इस बार आपको एक और एप्पल के लिए सिर्फ 2 ही ऑरेंजेस दूंगा। मतलब 7 में से 5 गए, 2। अगली बार अगर आपने फिर से मुझे एप्पल ऑफर किया तो मैं आपको सिर्फ 1 ही ऑरेंज दूंगा उसके बदले। तो ये जो गिरावट हो रही है इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग, गिरना, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस गुड वाई बट एट ए डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो आपका रेट गिरता जाएगा। इसीलिए ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व जिसको आप बोलते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। इसको हम एक और नाम देते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को उसका नाम देते हैं कन्वेक्स प्रेफरेंस। बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उसका सेक्रीफाइस कम होता जाएगा। मैं सेक्रीफाइस कम करूंगा, तो जब आप इसकी चार्ट को बना के देखते हो तो आपको समझ में आता है, थोड़ा वैसे ले रहा हूँ, तो आपका पहले सेक्रीफाइस था ज़्यादा, अगली बार आपका सेक्रीफाइस हो गया कम, अगली बार हो गया और भी कम, उसके बाद हो गया और भी कम, चिन्नू 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 करके आपका सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है। देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मैं अभी आपसे सारी डिस्कस करूंगा, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे सीधा डिस्कशन करता हूँ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से ही चैप्टर पूरा क्लियर होगा, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी पकड़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी। ओके, कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है बाई चांस तो ये मैं सोचते हैं कि छोड़ दी तो एग्जाम में नहीं आ सकती, क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, कोशिश करके आपको सारा सिलेबस कराना है, तो आपको डेफिनेटली अपने आप भी सेल्फ स्टडीज करनी पड़ेंगी। तो बात करते हैं अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्लियर होता चले जाएगा साथ साथ। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज। नंबर 1, आईसी। अब कई लोग ना आईसी कर्व लिखते हैं, आईसी कर्व, अरे आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व ही होता है, तो डोंट राइट आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया था ये लेफ्ट से होके राइट में गिरता है। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
जैसे जैसे आपको दूसरी क्वांटिटी चाहिए किसी की बढ़ानी है, तो आपका सेक्रीफाइस पहले से कम होता चला जाएगा। तो आपका सेक्रीफाइस कम हो रहा है, इसलिए ये आपका ग्राफ इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो क्लियरली और लैंग्वेज समझाऊंगा पूरी। नंबर टू, द स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बेसिकली कि आपने कहा ये ग्राफ है, तो अगर मुझे ये चाहिए तो ये मेरा स्लोप हो गया। तो जो स्लोप होता है ऑफ माय आईसी इज इंडिकेटिंग द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इंडिकेट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अगर कई स्टूडेंट्स को नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल, मतलब तो एक एक्स्ट्रा पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा पाने के लिए मैं दूसरा कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। तो मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी 10 ग्लास ऑफ वाटर है, तो 11वां ग्लास पानी पाने के लिए आप किसी और चीज को कितना सेक्रीफाइस करना चाहोगे? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप इट इज रियली क्लियर। एक एक्स्ट्रा को एकदम से ये मत करना कि सर पहले मेरे पास ना 100 थे, अब मेरे पास 120 हो गए, तो 20 बढ़े ना। नहीं सर, अगर मेरे पास पहले 100 थे, अब 101 लेने के लिए, एक एक्स्ट्रा लेने के लिए, ये जो एक एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक को पाने के लिए आपने दूसरे को कितना सेक्रीफाइस किया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आपने डेल्टा वाई के लिए, डेल्टा एक्स चेंज इन वाई को पाने के लिए चेंज इन एक्स कितना सेक्रीफाइस किया, दैट बिकम्स स्लोप ऑफ अवर इनडिफरेंस कर्व। नंबर थ्री, द स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिमिनिश एज वी मूव डाउन द कर्व बिकॉज ऑफ दिस आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो दैट आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब DMRS में देख देना इसको, कि दिल्ली मेट्रो इसलिए तो DMRS नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि पहले पाने के लिए मैंने ज्यादा सेक्रीफाइस किया। इंडिफरेंस सेट आपको याद है मैंने पीछे किया था, एक एप्पल ज्यादा पाने के लिए मैंने तीन ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर दूसरा एप्पल पाने के लिए मैंने दो ही ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर एक और एप्पल पाने के लिए मैंने एक ही ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं करना सेक्रीफाइस, अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंडिफरेंस मैप। इन एन इंडिफरेंस मैप, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? कोई भी कलर ऑफ पेन अगर आपको लगता हो कि सर इस पे क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मैं अगली बार से उस पेन को चेंज कर लूं। आपने कहा कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर लाइन के ऊपर गुड एक्स गुड वाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर आपके इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे होते रहते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके के इंडिफरेंस कर्व चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने शिफ्ट किया है, अब दो चीजें मैं समझाऊंगा आपको, एक होता है मूवमेंट, एक होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट इज शिफ्ट। ये कई बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में लिखते हैं बड़ा गलत। शिफ्ट होता है राइट या फिर लेफ्ट, मतलब अगर मैं IC1 जैसे IC1 लगा लो, ये IC2 IC3 IC-1 IC-2 ऐसे नीचे ले आया, अगर मैं आईसी कर्व को आगे लेके जा रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर ये आईसी कर्व पीछे आ रहा है तो इसका मतलब आईसी इज डाउन, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक होता है मूवमेंट अलोंग कर्व, इट कैन बी एनी कर्व, मूवमेंट अलोंग एनी कर्व, लेकिन अभी मैं आईसी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसी कर्व के ऊपर मैं यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, स्लोप पे घूमता रहा, मतलब ये जो ऐसे चल रहा है या फिर ये ऐसे चल रहा है,
दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट. तो इट कैन बी डाउनवर्ड, इट कैन बी अपवर्ड. तो डाउनवर्ड अपवर्ड कब होता है? जब हमारी इनकम को हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम इनकम को चेंज कर दें, इनकम कम हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए, या प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाए, प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा हो जाए, मतलब हम डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे बाद में, तो हमारे शिफ्ट होते हैं. लेकिन अगर हमारी इनकम ही चेंज नहीं होती है, सब कुछ सेम है, इनकम सेम ही रहेगी सब कुछ, तो इट विल बी मूवमेंट अलोंग द कर्व. तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिफरेंस मैप. अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को इकट्ठा लगा दिया जाए, इट बिकम्स इंडिफरेंस मैप. ये बन गया मैप, आईसी मैप. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन एन इंडिफरेंस मैप, हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हायर आईसी मतलब जो आईसी टू है, आईसी टू की सेटिस्फेक्शन आईसी वन से ज्यादा होगी, आईसी थ्री की सेटिस्फेक्शन आईसी टू से ज्यादा होगी. हायर आईसी डिपिक्ट्स हायर सेटिस्फेक्शन. कि मैं ज्यादा खुश हूं, मुझे और अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, मुझे अब उतने बजट में ज्यादा सामान खरीदने को मिल रहा है. इट कैन बी पॉसिबल या तो हमारे प्राइसेस कम हो जाए या मेरी इनकम बढ़ जाए. देन आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. आप देखो कि कोई भी इंटरसेक्ट आईसी जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, एक दूसरे को काट नहीं रहा, सब साथ साथ चल रहे हैं. तो दैट इज द प्रॉपर्टी, इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. IC do not intersect each other. Okay, chat pen ho gaya. IC do not cut or intersect each other. And then last, when two commodities are consumed, IC neither touches X axis or nor Y axis. जब हम दोनों को ही खाने वाले हैं, दोनों को ही यूज करने वाले हैं, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ कभी ऐसा नहीं होगा, मैं क्रॉस लगा रहा, ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ ऐसे चालू हो और ऐसे टच हो जाए, नहीं होगा. ये तब टच होगा जब एक को जीरो किया जाएगा. हम जीरो किसी को नहीं कर रहे, हमें दोनों ही कंज्यूम करने हैं. तो इट कैन गो अप टू लाइक पैरेलल, लेकिन ये टच नहीं करेंगे आपस में. क्यों? हम किसी को भी जीरो नहीं कर रहे. व्हेन बोथ द कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड, व्हेन बोथ गुड्स आर कंज्यूम्ड, नीदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस will be touched by indifference curve. तो ये parallel चल सकती हैं, लेकिन इनको touch नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे touch किया वो zero हो जाएगा, और zero हमें करना नहीं, क्योंकि हमें दोनों ही consume करनी है. ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं. हमने last class में budget line भी पढ़ा था, और आज हमने पढ़ा हुआ है indifference curve की properties. ठीक है, आप प्लीज इसको बुक से जरूर पढ़ना. ये मत सोचना नितिन सर ने पढ़ा दिया तो हमारा काम तो हो गया, ऐसा मत सोचना. क्योंकि कभी ऐसा हो गया ना, तो आपने कहीं जाके लिखवा दिया. अच्छा, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग ग्राफ बनाना. याद रखना कि जब जब आप एग्जाम में पेपर में आप सॉल्यूशन देते ना इस चीज का, अगर थोड़ा बड़े लेवल का क्वेश्चन आ गया ज्यादा नंबर का, तो हर किसी के लिए छोटे छोटे ग्राफ, जैसे बताया ना, पहले के लिए छोटा सा कर बना दिया, दूसरे के लिए अलग से बना दिया, तीसरे के लिए अलग से बना दिया. तो दिस विल गिव अ गुड इंप्रेशन. जैसे आपने कहा कि इट विल हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन द इंडिफरेंस मैप, तो आप ऐसे एरो बना के दिखा दो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लिख दो IC3 will have more satisfaction than IC2. तो it will give you good marks, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो एज ए टीचर. ठीक है, अच्छा. अब क्वेश्चन ये उठता था इसके अंदर, जो मेरे को आपको समझाना है इंपॉर्टेंटली, कि सर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, क्या ये इंडिफरेंस कर्व से दूर हो सकती है ये प्रॉब्लम? चलो अभी ढूंढ लेते हैं इसका आंसर एक अच्छे तरीके से. ओके, कहाँ गया? यस,
मेरे को सीबीएसई में ही ढूंढना है। अब आपको करना क्या है, आपको दो ग्राफ बनाने हैं एक ही ग्राफ के साथ। एक बनानी है बजट लाइन, इसको आप लिख सकते हैं बाद में, वैसे बुक में गिवन होगा, नहीं है तो आप कॉपी कर लेना पोस्ट करके, और आगे की पढ़ाई। सर ये कहा आपने कि मेरी बजट लाइन है, ये मेरी औकात है, बजट लाइन ए बी, ए बी इज माय बजट लाइन। सर आपने कहा कि ये इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो मेरे को कोई ऐसा लेवल बता दो कि जहां पर मुझे संपूर्ण, मुझे सेटिस्फेक्शन भी पूरी हो और मेरे पैसे भी खर्च हो जाए और मेरे को कोई तकलीफ ना हो। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम लेवल, कंज्यूमर्स ऑप्टिमम लेवल, कि मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल गई, दोनों के दोनों गुड्स भी खा लिए और पैसे भी खत्म हो गए। दैट विल बी व्हेन, एक टेंजेंसी आपको याद रखनी है, बिल्कुल सेंटर पे आपको एक तरह से डॉट लेके आना है अपना आईसी कर्व का। अब इसको पढ़ते क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स ऑप्टिमम लेवल विल बी अटेन्ड व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट, आई रिपीट, व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस मैप पे तो बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व हैं, लेकिन जहां पर किसी भी इनडिफरेंस कर्व को अगर मेरी बजट लाइन टेंजेंट कर दे, मतलब वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व, तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई जो गुड्स है, इतनी क्वांटिटी, ये लेवल पे कस्टमर को परम आनंद प्राप्त होता है, मतलब हाँ जी ये मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मेरी इनकम भी जा रही है तो मैं खुश हूं और मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें भी खुश हूं। तो ये क्या लिखता है, वेयर ऑन द बजट लाइन विल बी द ऑप्टिमम बंडल बी लोकेटेड। क्वेश्चन आया कि वेयर इट विल बी लोकेटेड, द पॉइंट एट विच द बजट लाइन जस्ट टचेस इट्स और इट इज टेंजेंट टू वन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। सबको तो टच नहीं कर रहा, कोई नीचे है लोअर सेटिस्फेक्शन, कोई हायर सेटिस्फेक्शन, लेकिन ऑप्टिमम लेवल क्या है, वन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वुड बी ऑप्टिमम। टू सी वाई दिस इज सो, नोट दैट एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन अदर देन द पॉइंट एट विच इट टचेज द इंडिफरेंस कर्व लाइज ऑन ए लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड हैज इट इज इंफीरियर। अगर इसके नीचे टच करता है ये, तो इसका मतलब वो आपको इनफीरियर रिटर्न देगा, आप में कैसे, या तो इनफीरियर गुड्स की तरफ जा रहे हो या आपकी इनकम कम है। द ऑप्टिमम बंडल इज लोकेटेड ऑन द बजट लाइन एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इनडिफरेंस कर्व। इसको तो ना दिमाग में बिठा लेना, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब कुछ बच्चे ऐसे टेंजेंट को बिठा लेते हैं अपने साथ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता लेकिन स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं मैंने बहुत बार, और कॉलेज के बच्चों को देखता हूँ कैसे करते हैं। कई बच्चे कहते हैं टेंजेंट तो बोला था, टेंजेंट, इनडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन, टीचर गिव यू जीरो, इट इज द बजट लाइन विच इज टेंजेंट टू द इनडिफरेंस कर्व। याद रखना, बजट लाइन टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम इनडिफरेंस कर्व से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अकर्स इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन लाइफ, इन एनी चॉइस प्रॉब्लम देयर इज ए फिजिबल सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव होते हैं दो, गुड एक्स गुड वाई, द फिजिबल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव विच आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इज एज्यूम टू हैव वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस टू द सेट ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव, वी हैव अ प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इन अदर वर्ड्स द इंडिविजुअल इज क्लियर इन हिज माइंड और हर माइंड अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड हेंस कैन कंपेयर एनी टू ऑल्टरनेटिव्स एक्स और वाई, गुड एक्स और वाई। The feasible set and the preference relation defined over the set of alternative together constitute the basis of choice. Combination तो बहुत सारे हैं ना इस पूरी line के ऊपर, बहुत सारे combinations हैं। तो वो क्या है? Alternative choice. Individuals are generally assumed to be rational. They have well-defined preferences. In any given situation, a rational individual tries to do the best for himself or herself. जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं बेस्ट टू बेस्ट लेना चाहूंगा। इन द कॉन्टेक्स्ट वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम अप्लाइड टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर चॉइस, हियर द बजट सेट इज द फिजिबल सेट
एंड द डिफरेंट बंडल ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस आर द ऑल्टरनेटिव. तो ये है मेरा बजट, ये है मेरी औकात. ए बी हो गई मेरी औकात बजट, और आई सी हो गए मेरे लिए ऑल्टरनेटिव्स. तो जो चॉइस की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, वो तब मिलेगा जब इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंसी आ जाएगी, एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व. द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल, हिज और हर प्रेफरेंस रिलेशन टू द बजट सेट इज वेल डिफाइंड एंड दे चूज द मोस्ट प्रेफर्ड बंडल फॉर फ्रॉम द बजट सेट. द कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल इज द चॉइस ही और शी मेक्स इन द गिवन सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में जो आपने बेस्ट निकाला होगा अपने लिए, दैट विल बिकम योर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल एंड वेयर इट विल बी वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको यहां से याद रहेगा. ठीक है दोस्तों, तो यहां पर खत्म हो गया आपका इनडिफरेंस कर्व. और क्या बताऊं, बाकी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे थोड़ा यूटिलिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे डिमांड सप्लाई. डिमांड में तो बहुत सारा है कुछ चीजें, डिमांड सप्लाई मार्केट अभी शुरू हुई है कहानी, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे. ये नहीं मैं सोचता कि सर बस परसों ही पेपर है सब खत्म करा दो. इंसान हूँ यार, रोबोट थोड़ी हूँ. वो बच्चे की एक ना ऐसे मैं वीडियो देख रहा था बड़ी अच्छे से, उस बच्चे ने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, उसने इंजेक्शन को ऐसे रखा बुक के ऊपर, उसको ऐसे खींचा और बाद में दिमाग पे लगाया ऐसे करके, वो बोलता है मतलब सब कुछ मेरे दिमाग में घुस जा. ऐसे नहीं घुसेगा एक दिन में. सो दोस्तों, अभी हम लोग कहानी खत्म कर चुके चैप्टर वन की, कंज्यूमर बिहेवियर की, इंडिफरेंस कर्व की, बजट लाइन की, स्लोप की. कुछ चीजें रह जाएंगी, सब चीजें 100% पूरी नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ रह जाएगा. तो बुक में जब इन चीजों को कोरिलेट करके पढ़ोगे देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. लेकिन उससे पहले प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो यार, आपको पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आपको प्लीज उस मेहनत को थोड़ा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और देना ही चाहिए ना. आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ जिनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं. और पैसे हो भी तो क्या दिक्कत है, बचवा लो पैसे यार. अगर आपको देने हैं तो दे दो मुझे, सुपर थैंक्स कर दो मुझे. ठीक है, सुपर थैंक्स का बटन होता है, अगर आप चाहो तो सुपर थैंक्स भी मुझे कर सकते हो. आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा. आपकी इच्छा है सुपर थैंक्स करना है या नहीं करना, बट चैनल को आगे बढ़ाते रहना. ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.